आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उस कोशिश के बारे में जो डीआरडीओ को डारबा बनाने वाली है। जी हाँ, इस समय डिफेंस कम्युनिटी में ये बस चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि डीआरडीओ को डारबा बना दिया जाए और इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। देखिए, पॉलिटिकल चीजों को साइड में हटाकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी काफी लकी रहे हैं, क्योंकि पहले उनको अरुण जेटली और बाद में मनोहर पर्रिकर जैसे डिफेंस मिनिस्टर मिले हैं। जेटली साहब को फाइनेंस की काफी अच्छी समझ थी, लेकिन जब मनोहर पर्रिकर डिफेंस में आए तो उनकी तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए थे और उसका इम्पैक्ट भारत के डिफेंस में देखने मिला है। लेकिन उनके जाने के बाद में बहुत सारा काम अधूरा छूटा था और उसमें से बहुत सारा काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, इस समय देश में डिफेंस से रिलेटेड जितना भी रिसर्च हो रहा है वो ज्यादातर डीआरडीओ में हो रहे हैं, और इसी वजह से ये जरूरी है कि डीआरडीओ समय के साथ साथ रिफॉर्म्स करता रहे ताकि डीआरडीओ से आने वाले रिजल्ट्स बेहतर हो सके। इसी कोशिश में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रोफेसर विजय राघवन को एक काम दिया है और उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो रेकमेंडेशन देगी कि डीआरडीओ को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाएगा। बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये कमेटी डीआरडीओ को डारपा बना देगी, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम है जो ये चीजें फैला रहे हैं। चीजों को डिटेल में समझने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली डीआरडीओ काम कैसे करता है। डीआरडीओ एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली वेपन सिस्टम्स को लेकर डिजाइन बनाती है। आमतौर पर एक वेपन सिस्टम में कई अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी जाती है, और इसी वजह से इस समय डीआरडीओ की लगभग 52 लैब्स अलग अलग सेगमेंट्स में रिसर्च करती हैं। पास में इन लैब्स द्वारा बनाए जाने वाले डिजाइन को आमतौर पर डीपीएसयूज को दे दिया जाता था, और ये सरकारी कंपनीज वेपन सिस्टम बनाकर भारतीय सेनाओं को डिलीवर कर देती थी। कई बार सेनाएं इन वेपन सिस्टम से खुश होती थी और कई बार उनको डिसअपॉइंटमेंट होती थी। लेकिन पहले जो एंड टू एंड प्रोसेस था उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगी कि परेशानी कहां पर है। देखिए, शुरुआत में भारत में मैन्युफैक्चरिंग थी नहीं, और इसी वजह से बहुत सारे वेपन सिस्टम्स हम लोगों को बाहर से खरीदने पड़ते थे। आमतौर पर सर्विसेज की तरफ से बाहर से वेपन सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की जाती थी, और कई बार भारत को मना कर दिया जाता था कि हम लोग आपको वो वेपन सिस्टम्स नहीं बेचेंगे। और जब ऐसी सिचुएशन बनती थी तब सर्विसेज की तरफ से डीआरडीओ की तरफ जाया जाता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी जाती थी कि डीआरडीओ को कम कॉस्ट में ये सिस्टम्स बनाने हैं और यहाँ पर प्रायोरिटी केवल कॉस्ट रहने वाली है। और नेचुरली जब आपकी प्रायोरिटी कॉस्ट होगी तो आपको बहुत सारे क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही होता था इनिशियली। इसके अलावा समय के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की नई टेक्नोलॉजी आती थी, लेकिन हम लोगों की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता था, क्योंकि अल्टीमेट गोल होता था कॉस्ट। और नेचुरल है कि अगर आप पुरानी मशीन्स का प्रयोग करते हुए नई टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपकी क्वालिटी नीचे जाएगी और सर्विसेज इसी वजह से सेटिस्फाई नहीं होती थी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि डीआरडीओ को डारपा की तरह काम करना चाहिए, लेकिन उनको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भारत में रिक्वायरमेंट कहाँ से निकल कर आती है। फोर्सेस की तरफ से GSQR दिए जाते हैं और उसके बेसिस पर डीआरडीओ काम करता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कॉस्ट को कम रखने की कोशिश की जाती है, और इसी वजह से कई बार आर्म फोर्सेस की तरफ से कहा जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही है और वो सिस्टम बाहर से एक्वायर कर लेंगे। और इसी के कारण कई बार डीआरडीओ और आर्म फोर्सेस सालों तक चीजों को नेगोशिएट करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ में जब वो नई मशीन्स लाने की कोशिश करते हैं। अब प्रोफेसर विजय राघवन के अंडर में जो कमेटी बनाई गई है उसकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि फॉरेन OEM से डिजाइन लेकर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भारत में वेपन सिस्टम्स बनाएं और डीआरडीओ अपनी फंडिंग एकेडेमिया के साथ में भी शेयर करे। और इसी को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से माना जा रहा है कि डीआरडीओ को डारपा बनाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि भारत में डीआरडीओ की तरफ से जब वेपन सिस्टम बनाने की शुरुआत की जाती है तो आइडियाज फोर्सेस के होते हैं जो GSQR के रूप में उनके पास पहुंचते हैं। वहीं अगर आप डारपा की बात करेंगे तो डारपा काफी हद तक प्रोग्राम डेवलपमेंट का काम करती है, जो बेसिकली मिलिट्री की नीड्स को समझती है। IDA, DBS, JSON जैसे वर्किंग ग्रुप उनको एनालिसिस देते हैं और टेक्निकल कम्युनिटी से उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम से रिलेटेड आइडियाज मिलते हैं। इन सभी इनपुट्स के बेसिस पर डारपा नए प्रोग्राम्स बनाता है और टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज को डिफेंस नीड्स के साथ में मैच करता है। अगर आप US सेटअप के साथ में ही चीजों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि US में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की लैब्स हैं जो बेसिकली DRDO की इक्विवेलेंट है। ऐसे ही DOE लैब्स काफी हद तक CSIR लैब्स जैसे कि NAL उसके इक्विवेलेंट है, यानी कि DRDO और DARPA सिमिलर नहीं है। और जो लोग DRDO को DARPA बनाने की बातचीत कर रहे हैं उनको DOD लैब्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अगर आप DRDO को DARPA बना देंगे तो आपको DOD लैब्स बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको DRDO दोबारा खोलना पड़ेगा। वैसे भारत सरकार की तरफ से IDX और मेहर बाबा जैसे एफर्ट्स से वो सारी चीजें करने की कोशिश की जा रही है जो डारपा आमतौर पर करती है,
बस जरूरत यह है कि भारत सरकार को चीजों को और ज्यादा ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा और जो क्वालिटी रिसोर्सेस होते हैं उनको एक छत के नीचे लाकर एक डारपा जैसा सेटअप बनाना पड़ेगा। डीआरडीओ डारपा नहीं हो सकता है। होप यहाँ पर चीजें पर्सपेक्टिव में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।